अरे भाई भाई भाई, ए भाई मेरे को माफ कर भाई, माफ कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। वर्कआउट चल रहा है और ऐसी हालत क्यों हो रही पता है? बहुत खराब हालत हो रही है भाई, जब वर्कआउट करते हैं और लाइट नहीं आती है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें, वर्कआउट करना बहुत कंपलसरी है, बॉडी को फिट रखना, मेंटली फिट होना बहुत कंपलसरी है भाई। बिकॉज बिना दिमाग के फिट होने से, मतलब अगर दिमाग से फिट नहीं होंगे ना, तो ना तो अपन गोल पे फोकस कर पाएंगे, ना किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, ना काम पर फोकस कर पाएंगे। तो लाइटें नहीं आ रही, देखो उमस वाला माहौल हो रहा है, फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हम वहाँ जाने वाले हैं जिनकी हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे, ठीक है। आज वहाँ जाएंगे, पहले भी जा चुका हूँ लेकिन आज फिर से जाने वाले हैं। लेकिन जो भी है, फटाफट से पहले के काम निपटा लेते हैं अपने यहाँ के, फिर वहाँ कहाँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बने रहे लोग के साथ और बहुत मजा आने वाला है भाई, आप लोग भी देखें। ओके ओके गाइस, तो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सैलून पर। सैलून पर क्यों, देखो हालत कितनी खराब हो रही है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा हूँ, धूप में घूमना पड़ रहा बार बार। देखो स्किन, बाल भी थोड़े भूत की तरह हुए, हम फटाफट से इनको कटवाते हैं और थोड़ा सा चेहरा तो ठीक तो दिखना ही चाहिए ना यार, देखते होंगे कि यार ऐसा भी क्या मजदूर की तरह हो रहा हूँ। तो अब जाता हूँ क्योंकि आजकल भाई मजदूरी करनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि फार्म हाउस पर जा रहा हूँ डेली के डेली धूप के अंदर, पता नहीं इतना सारा काम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। तो भाई हाँ, लेकिन मुझे पता है हकीकत क्या है इस दुनिया की, क्योंकि दुनिया रंग नहीं देखती है, तरक्की देखती है, समझ गए ना? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, खूबसूरती कभी रंग की मोहताज नहीं होती है। तो खूबसूरती के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस के पीछे भागना है। ओके, तो जाते हैं पहले सैलून पे और कंप्लीट होके आते हैं। ओके तो गाइस, शेविंग बनवा ली है, हेयर कट भी करवा लिया है, देखो डिजाइन भी बनवाई है, उसने बना दी थी। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लग रही है मेरे फेस के हिसाब से। हाँ, ज्यादा खास तो नहीं लग रही होगी। ओके, अब डाइट वाइट खा लेते हैं, पी लेते हैं और अब निकलते हैं डायरेक्टली। कहाँ जा रहे हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, वेट एंड वॉच डायरेक्टली। तो भाई अब मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, वॉच पहन लेता हूँ फटाफट से, और ये रहा हमारा चश्मा। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा हूँ। एक मिनट, ओके तो भाई पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे रे? चित्तौड़गढ़। जबान ही नहीं खुल रही तुम्हारी तो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जबान तो खोलो कम से कम, क्या है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फोर्ट क्यों? आप फोर्ट बोला कर इसको इंग्लिश में, क्या बोलेगा? चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। क्या फोर्ट? फोर्ट है, फोर्ट है, फोर्ट। ओके तो गाइस, हम आज वहां पहुंच चुके हैं जहाँ का इतिहास हमें बचपन में हमारी स्कूल में बहुत बहुत पढ़ाया गया है, ठीक है, जिनकी वीरता की जो कहानियाँ हैं हमें हमेशा से पढ़ाई गई है। इधर से आगे और लंबा है, ठीक है, ये देखो इतना तो इधर ही आ रहा है। अब इधर से घूमता हुआ, इधर से होता हुआ ठेठ ऊपर तक जितना है, तो मैं आपको ऊपर चल के बताऊँगा कि ये कितना बड़ा किला है। ओके तो चलो साथ साथ चल भाई। ये देखो भाई, वहाँ से पानी गिर रहा है और ये पानी मैं जब भी एक बार पहले भी आया था तब भी गिर रहा था, मतलब यहाँ 12 महीने पानी गिरता है। ये रहा पहला गेट, चलो गजब यार, अपने अपनी लाइफ में भी एक ऐसा किला होता तो मजा आ जाता। ये तो यार लाल किले से भी बड़ा है ना। चौथा गेट कितनी मतलब सेफ्टी से बनाया गया यार, आजकल के लोग एक मकान बनाने से डर जाते हैं, मतलब फट के हाथ में आ जाती है। ये देखो कितना मतलब इसको बनाया गया है लड़ाइयों के लिए, ये सारा सेफ्टी के लिए, इतने सारे कितने, चौथा गेट आ गया, चौथा है पांचवा है, ये आ गया सातवां। अब हम आ चुके हैं ऑन टॉप, क्या बात है। मैं एक बार पहले भी आया था लेकिन क्या हुआ ना मेरे साथ कि
मतलब गाड़ियां ऊपर अलाउ नहीं थी, तो हम धीरे धीरे आए थे पैदल पैदल ऊपर। तो आज हमारी गाड़ी ठेठ ऊपर आ चुकी है। भाई ऐसा किला होना चाहिए, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन पहले संघर्ष बहुत किया करते थे राजा महाराजा, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ये घोड़े, घोड़ा खरीदेंगे वैसे अपन फार्म हाउस के लिए अपने। देखो हर चीज को मेंटेन करके रखा है, और यहाँ तो यार पता नहीं हर जगह से भाई हट जा यार रास्ते से। ये कौन सा गेट है? ये इस गेट का नाम है एंट्री गेट। ये इधर संग्रहालय है पूरा, ये संग्रहालय देखने चलेंगे क्या अपन? ओके, और नेक्स्ट है ये तो पूरा, मतलब यार ये पूरी पूरा शहर बना हुआ ऊपर का ऊपर ही। देखो भाई, भाई अगर आप किसी भी एरिया से देख रहे हो, पूरे भारत में से कहीं से भी देख रहे हो ना भाई, एक बार इसकी भव्यता जरूर देखें, कितना बड़ा है। अगर आप नहीं आए हो तो कभी भी एक बार आके जरूर देखना, शॉक तो जरूर हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप इसको डीपली एक बार सोचोगे ना, कहाँ स्तंभ का है, निकल गया क्या, वापस आएंगे ना? वैसे पहले अपन मंदिर चल के आ जाते ना। ठीक है, ये देखो भाई एक छोटा सा किला और है, मतलब ये मेरे को लग रहा है किसी पर्सनल किसी का होता होगा, राजा या रानियों का। तो इस तरह से यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी ना। ये देखो भाई, मतलब पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये लेक बनी हुई है, यहाँ पानी सब कुछ, मतलब इतनी ऊंचाई पे भी सब कुछ। यार मेरे को समझ नहीं आता किस तरह पॉसिबल होता है। मंदिर आ गया, मैं बचपन में आया था मेरी मम्मी के साथ। ये मतलब ये सीढ़ियों से और रेलिंग से पता चल रहा है मेरे को, जब मैं बहुत छोटा था। ओके गाइस, तो पहुंच चुके हैं, और अब मैं इस मास्क को लगा लेता हूं थोड़ा, फिर चलते हैं, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। कोशिश करूंगा अगर अलाउड होता है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। पार्क करके आ जा भाई गाड़ी। तो भाई बंदरों के लिए कुछ ले लेते हैं। वो देखो बंदर मेरे को देख रहे हैं, उधर ही का देख रहे हैं ना, वही दला। एक काम करो ना, कितने बंदर होंगे लगभग? एक काम करो, 10 पैकेट दे दो मेरे को। वो ऐसे भाग के काटते तो नहीं है ना बंदर? हाथ में खिलाओ, ये लो। चलो आ जाओ। अरे तू कहाँ देख रहा है, इधर ही। एक सेकंड में खींच के और लेके आवे क्या? वो देख बिखेर दी, एक बार दिखा पूरा। अभी तो मैं गिर जाता यार। वो वीडियो बना, हर एक वीडियो देखो यार। बाबा साहब बेटा देख रहा है। चलो ले। अरे यार इसको खिला देते थोड़ा। ले ले ले। बस दो, डाल रहा हूँ। अरे ये खा लेगी यार गाय। ले इधर इधर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ला दे। ले ले ले। अरे इस गाय को खिला दे। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, फ्री हो के आपके पास ही आ रहा हूँ। चलो चलो बिल्कुल चलो। चलो आप ले फोटो।
ले ले। आप सब कहाँ से, यहीं से हो? क्या तो भाई अभी अपन कहाँ चल रहे हैं, जहाँ मतलब पद्मिनी महल के अंदर, जहाँ 16,000 रानियों ने जौहर किया था अपनी मतलब आन बान और शान बचाने के लिए जी। कहाँ से हो आप लोग सब? कहाँ से? नाहर। ये क्या जोहर कौन कौन सा, ये जो अभी पानी भरा हुआ है, मतलब ये वो रानी पद्मिनी का महल है ना जी, यहाँ से दिख रहा है। अभी तो यहाँ पानी भर गया है, दिखाओ एक बार। मतलब रानी पद्मिनी उस महल के अंदर रहती थी, वो सीक्रेट महल। बस ओके, तो अब बाकी का दिखाते हैं और फटाफट से चलते हैं। सबसे हाँ विजय स्तंभ दिखाते हैं, ठीक है? विजय स्तंभ बहुत ज़रूरी, एक बार दिखाते हैं। आ जा, पूरी की पूरी टीम आ रखी है। अपन भी ऐसे टीम बना के कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। मेरा तो सपना है भाई वहाँ जाने का, अफ्रीका, अमेजोन के जंगलों में, वहाँ जाके शेर के साथ सेल्फी लेनी है मेरे को। वो जल्दी जाएंगे, मेरे 2-3 केस हट जाए मेरे ऊपर से बस। उससे पहले मेरे को ना तो वीज़ा मिलना है कुछ करा। चलो पता है यार, सर मेरे अकेले के लोग हैं, तुम्हारे साथ भी लोग हैं? नहीं नहीं, आप अकेले। हाँ चलो ठीक है, हेलो आ जाओ सीखा है ना। बस फिर कभी। ओके इधर ले ले। तो भाई यहाँ मतलब हमारे भारत से मतलब हर राज्य से लोग, देखो बस में से भी बच्चों को दिखा एक बार, बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं मुझे देख के। चल 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 चल। ओके तो भाई हाँ हम कहाँ थे, मतलब हर स्टेट से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो मतलब यहाँ का जो इतिहास है बहुत ही तगड़ा रहा है, और भी दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलने दो, यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है, कौन सा ये पैदल? भैया कितना टिकट, कितने? 5 टिकट है ना, एक टिकट वापस ले लेना ना। दस सेकंड, सेकंड चल, मतलब मेरे को 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। चलो चलो अब तो ठीक है। हम आ चुके हैं विजय स्तंभ के, यहाँ पे एक बार दिखाओ पूरा विजय स्तंभ। भाई इसे ही देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पर्सनली यहाँ पे। ओके तो अब एक फोटो कैप्चर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? चल फोटो कैप्चर कर और फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। चल ले यहाँ से लाइक। भाई इसको देखो एक बार, क्या मतलब ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी बहुत खुश है अपनी लाइफ से। इसकी स्थिति देखो एक बार। भाई ऐसा मत कर, अभी ऊपर चढ़ जाएंगे ना, अपने अपने को भागना पड़ेगा यहाँ से, समझ बात को। तो इससे अच्छा है कि ठीक है अपन साइलेंटली बैठे रहें। ये देखो ये कितनी शांति से बैठा है, चलो इनको कुछ खाने के लिए देते हैं। ले तो कैसे, इसको वीडियो चालू रहने दे, चल रहा है। हाय हाय ब्रो, हाय ब्रो, अरे ऐसे मत कर, ले मेरे को दे, छिपा के दे, छिपा के दे, देख लिया तो देख लिया, ढोल मारा तुम ढोल। चलो उधर दूर जाना यार तू, जल्दी। हाय ब्रो, इधर इधर इधर। भाई इसको इसको पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, लाओ भाई। ये डाइट पसंद नहीं आ रही इनको, पसंद आ गई इनको डाइट, पसंद आ गई।
अरे भाई 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 ए भाई मेरे को माफ कर भाई माफ कर सॉरी 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 सर ए भाई मेरे को तेरे पीछे ये मेरे को लग रहा मेरे से थोड़ा गुस्सा है भाई ये पलटन है पूरी यहाँ एक तो खिलाओ इनको और एक ऊपर से गुस्सा करके आ रहे अब यार डाइट पसंद नहीं है मैं क्या करूँ उसका समझ रहा है ना व्यू अच्छा रहा है चलें अब तो गाइस अब अंधेरा होने वाला है अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि वो बंदर मेरे पीछे पड़ गया था ठीक है अब मैं चलता हूँ यहाँ से ओके बाय लव यू ऑल